करने वाले हैं आप? ये हम अजिया बताने का एक 3 BHK फ्लैट का इंटीरियर दिया है। अच्छा, पूरा इंटीरियर आप ही ने करा है? जी, सब कुछ पूरा इंटीरियर? जी, ठीक है। तो 3 BHK 2 BHK थोड़ा बता दो आप मुझे। ये 3 BHK फ्लैट है। 3 BHK फ्लैट है। थोड़ा अपनी कंपनी के बारे में थोड़ा बता दो, कहाँ पे आपकी लोकेशन पड़ती है? कंपनी होम किचन इंटीरियर। हाँ, गायत्री टावर साईंदाता रोड पे है, अर्जुन नगर। तो किस तरह का इंटीरियर, सभी तरह का इंटीरियर करते हैं? ऑफिस इंटीरियर, होम इंटीरियर, सभी तरह का इंटीरियर? सारे इंटीरियर करते हैं, डिजाइन भी करते हैं और इम्प्लीमेंट भी करते हैं सब। और इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग भी है? इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग, मतलब सारे प्रोडक्ट जो है फैक्ट्री बन के सब यहाँ पे फिटिंग होती है यहाँ पे। तो कहाँ से इंटीरियर दिखाना शुरू करेंगे हम लोग? पहले लिविंग रूम से दिखाना शुरू। अच्छा, वहाँ पे चलते हैं, चलते हैं वहाँ पे, यहाँ से इंटीरियर दिखाना शुरू करेंगे। ये हमारा शायद एंट्रेंस गेट है हमारा, एक बार मैं दिखा देता हूँ आप सबको। ठीक है, यहाँ से दिखाइए भैया। ये एक लिविंग रूम है इसका? ये लिविंग रूम है हमारा। ठीक है, इसमें इस वॉल की जो पैनलिंग की हुई है। अच्छा, इस वाले वॉल पे आपने पूरी पैनलिंग करी हुई है? ठीक है। तो ये माइका लगा हुआ है भैया? हाँ, ये सेंचुरी का लैमिनेट लगा हुआ है। ये सेंचुरी का लैमिनेट लगा हुआ है, इसमें जो है इनले किया हुआ है। अच्छा, होल्डर, ठीक है। और ये फॉल सीलिंग किया गया है? ये फॉल सीलिंग भी आपने किया हुआ है, ठीक है। और इधर एक टीवी पैनल बनाया गया है। ये हमारा टीवी यूनिट है माइके के साथ जी। माइका पॉलिश ही तो हमारी मर्जी है कैसा डिजाइन के ऊपर आता है। ठीक है, ये ड्रॉअर है हमारा, ठीक है। ये ओपन शेल्फ हो गई हमारे, उसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या है भैया हमारा? ये डाइनिंग हॉल है। ये हमारा पूरा डाइनिंग हॉल है, ठीक है। मॉड्यूलर किचन बनाया गया है। ये भैया, ये एक प्रोफाइल शटर दिया हुआ है, वन फुट प्रोफाइल है, इसमें एक पुल डाउन फिटिंग लगाई हुई है। अच्छा, पुल डाउन फिटिंग है। हाँ, जैसे कोई आपका जो स्पाइस वगैरह यहाँ पर रख सकते हैं, और जो कुकिंग करेंगे आप तो इसी में से निकालते हैं और यहाँ वो रख सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और उसके बाद इसको जो है पूरा नीचे स्लैब पर रखने की जरूरत नहीं, ऊपर, ठीक है। और ये पूरी सॉफ्ट क्लोज के साथ है, मतलब जितनी फिटिंग है सब सॉफ्ट क्लोज है जी। ठीक है, और इधर भी ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। ऊपर हमारे सारे पल्ले, ऊपर सारा जो है एक्रेलिक लगाया है। अच्छा, आपने सारा एक्रेलिक माइका लगा हुआ है जी। ठीक है, ठीक है। और इधर ये भी टेंडम दिया गया है, ये टेंडम बॉक्स है जी। ठीक है, ठीक है। और इधर वायर बास्केट लगाया गया है, ये वायर बास्केट है, ठीक है। प्लेट बास्केट है ऊपर भी है, ऊपर दिखा दीजिए। ये GTPT दिया गया है, क्या बोलेंगे हम? GTPT, ठीक है। यारों के लिए, ठीक है, बनाया गया है, ठीक है। ये सारा मटेरियल आप सेंचुरी यूज करते हैं? ये सारा मटेरियल SDMR पे बना हुआ है, ये एक्सेंटेसा कंपनी का है। एक्सेंटेसा का या सेंचुरी एक्सेंटेसा, दोनों में से कोई भी? हाँ, जाने कोई भी लगा सकते हैं। यहाँ पे आपने ऊपर क्या दिया? बीम पैनलिंग के लिए, बीम का बीच में इस तरह से आपने पैनल कर दिया, ठीक है। यहाँ पे फॉल सीलिंग है मेरे हिसाब से? हाँ, ये पूरी वेजल में होने की है, ठीक है। यहाँ पे ग्लास वर्क आपने किया हुआ है? हाँ, ये ग्लास वर्क मतलब पूरी वॉल पे आपने कर दिया है? हाँ, ये पूरा जो है मशीन से, कंप्यूटराइज्ड मतलब मशीन से ये पूरा ग्लास वर्क, जो ग्लास का हुआ है इसका पहल किया गया। अच्छा, इसे हम पहल बोलेंगे, जो ये हुआ इसे पहल बोलते हैं, ठीक है। ये पूरा इसमें LED प्रोफाइल दिया गया, लाइट विद PVC पैनल। हाँ, ऊपर एक लूवर्स लगाए गए। अच्छा, ऊपर लूवर्स है हमारा, ठीक है। उसके बाद अंदर चलते हैं। ये इसका गेस्ट रूम है। अच्छा, ये हमारा गेस्ट रूम आ गया, इसमें ये फॉल सीलिंग किया गया, ये हमारी फॉल सीलिंग है। फैन भी आपने लगाया कि कस्टमर का है? जी, हमने लगाया। अच्छा, मतलब इंटीरियर में आप सब कुछ काम करते हैं, AC सब लगा के देते हैं? अच्छा, या तो मर्जी भी है कि अगर नहीं लगवाना चाहे तो, ठीक है। यहाँ पे स्लाइडर वाटरप्रूफ बनाया गया है, ठीक है। ये स्लाइडिंग वाटरप्रूफ है हमारी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमारी लाइट है, ठीक है। सेम, ऊपर हमारे पल्ले हो गए। हाँ, ऊपर पूरा स्टोरेज है, ठीक है। ये भैया माइका का कलर कॉम्बिनेशन कैसे डिसाइड होता है? कस्टमर डिसाइड करता है, डिजाइन होता है? ये तो आपस में बातचीत करके, जैसी कस्टमर की पसंद होती है उसी तरह से उसको सजेस्ट किया जाता है। अच्छा, ठीक है। मतलब कुछ आप भी सजेस्ट कर बताते हैं कि ये अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा लगेगा, ठीक, उस हिसाब से होता है। लेकिन दोनों काम आम सहमति से किए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारा टीवी यूनिट बनाया, बताइए क्या? ये इसमें एक ड्रेसर बनाया गया है, ड्रेसिंग यूनिट है हमारा। ड्रेसर में जो है इस तरह से जो है पीछे जो है ये स्टोरेज है, ठीक है। नीचे ड्रॉअर है हमारे, नीचे ड्रॉअर है, ठीक है। ये हमारा टीवी यूनिट है, ठीक है। इसमें भी नीचे स्टोरेज है। अच्छा, ये दो ड्रॉअर है हमारे, ठीक। और आगे चलते हैं।
ये हमारा मास्टर बेडरूम है, मास्टर बेडरूम है ये, मास्टर बेडरूम ये हमारा पूरा डबल बेड हो गया हमारा, पूरा हाइड्रोलिक बेड बनाएंगे, ये पूरा हाइड्रोलिक बेड है, ठीक है, पूरा अंदर स्टोरेज है, ठीक है। हेड साइड पे भी फैब्रिक दिया हुआ है आपने? हाँ, ये पूरा हेड साइड पे पूरा जो है ये आपने कुछ, हाँ, यहाँ पे दो साइड टेबल हो गए, एक ड्रॉअर ये, दूसरा ये, ये इसका टॉयलेट एरिया, इसमें एक वाटर बनाई है, ठीक है, और यहाँ पे आपने मिरर लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे मेरे हिसाब से ये टीवी यूनिट है हमारा जी, ठीक है। यहाँ पे तीन ड्रॉअर है, टीवी यूनिट है, ये सब चीज तो छोटी बड़ी हो जाएंगी, जैसे कस्टमर की रिक्वायरमेंट, अगर किसी को छोटा चाहिए तो पॉसिबल है, छोटा बन जाएगा, ठीक है। और वहां पे भी भैया आपने वार्डरोब दी हुई है मेरे हिसाब से, यहाँ पे भी वार्डरोब है, ठीक है। और फॉल सीलिंग भी हुआ है यहाँ पे? हाँ, फॉल सीलिंग भी किया गया है, ठीक है। ये इसका किड्स रूम है, ये किड्स रूम है, इसमें एक बेड बनाया गया है, बेड हाइड्रोलिक बेड लगाया गया, ये बेड हमारा हाइड्रोलिक है, प्लस दो साइड टेबल हो गए। ये माइका भैया कौन सा आपने यूज किया? पीवीसी सेंचुरी का माइका लगा हुआ है, अच्छा सेंचुरी का माइका, ठीक है। और ये हमारा फैब्रिक दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक वार्डरोब हमारी, वार्डरोब बनाई गई है, एक ये स्टडी टेबल बनाया गया है, ठीक है, स्टडी टेबल है, और ये प्रोफाइल सेटअप दिया गया है इसमें, ग्लास डोर स्टोरेज, ठीक है, अंदर लाइटिंग के साथ दिया है आपने, ठीक है। और ये पूरा स्टोरेज है इसमें, ठीक है, ये ओपन सेट दिया गया है, तो ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में कितना दिन लगा आपको? करीब 1.5 से 2 महीने का टाइम लगता है इसमें। तो ये सारी चीज प्रोजेक्ट पे डिपेंड होती है, कितना टाइम लगता है? प्रोजेक्ट पे डिपेंड करती है, लेकिन ऑलमोस्ट काम 2 से 2.5 महीने में हो जाता है। तो इंटीरियर का रिलेटेड सभी वर्क करते हैं, मॉडुलर किचन, वार्डरोब, फुल्ली इंटीरियर से लेकर जैसा भी इंटीरियर कस्टमर को करवाना हो, ठीक है। एक आप अपनी लोकेशन बता दो आपका, जहाँ डिस्प्ले सेंटर है, जहाँ लोग आकर आपको, डिस्प्ले सेंटर है अर्जुनगंज में, हाँ, गायत्री टावर वहाँ पे, इंटीरियर के नाम से, ठीक है। अब अपना कॉन्टैक्ट नंबर एक बार बता दो। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9794822580, ठीक है। ये व्हाट्सअप नंबर भी है जी, ठीक है। और लोकेशन के लिए आपने बताया, नियर बाई लैंडमार्क क्या बताया आपने? नियर बाई वो है गायत्री, वो सॉरी गोमती मोटर्स। अच्छा, अगर किसी को लखनऊ के बाहर भी इंटीरियर कराना तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अगर बड़ा काम होगा तो हम कर सकते हैं, लखनऊ के बाहर तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जी, ठीक है।